ओके तो चैप्टर हमारा चल रहा है मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। उसमें फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग ने कंप्लीट किया था हीट एंड टेम्परेचर। उसके बीच में हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूरा हम लोग ने स्टडी किया, ठीक है। उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया हीट क्या होता है, हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हर एक पार्टिकल का एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है उसके ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको मैंने एग्जाम्पल लेके पूरी तरह से फर्स्ट वाले वीडियो में कंप्लीट किया है, और वो वाला वीडियो देखो पहले और फिर ये वाला वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आज क्या देखेंगे हम लोग हीट के ये पार्ट में, हम लोग हीट का यूनिट पहले देखेंगे और उसके बाद में टेम्परेचर का यूनिट देखेंगे। अभी हीट का यूनिट क्या क्या है वो पहले देखो ज़रा। हीट का यूनिट जो है वो फर्स्ट है जूल और कैलोरी। अभी देखो दो दो यूनिट कैसे आ गया, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला यूनिट है वो किस कौन से सिस्टम वाला यूनिट है, एसआई सिस्टम वाला। ये जो एसआई है ना, एसआई और सीजीएस, ये दो सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये दो सिस्टम्स है उसमें हम लोग मेजर करते हैं, मतलब ये एक सिस्टम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, आई मतलब इंटरनेशनल, एस मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एक ब्रांच है, ठीक है। यूनिट मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ब्रांच में कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, मास को मेजर करते हैं हम लोग, मालूम है ना। अभी मास को मेजर किस में करते हैं, देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मास को हम लोग किलोग्राम में भी करते हैं, मतलब केजी, और हम लोग ग्राम में भी करते हैं। तो ऐसा क्यों, किलोग्राम क्या है, ऐसा है सिस्टम, ये एक सिस्टम है ऐसा है सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं मास को। और सीजीएस में क्या करते हैं, सीजीएस में उसी मास को हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये दो सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मास को एक में किलोग्राम में मेजर करते हैं, दूसरे में ग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। अभी इसका फुल फॉर्म तो मैंने बताया, एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हीट का किसी ने यूनिट पूछा तो पहले उनको बोलने का कि एसआई सिस्टम में है या सीजीएस सिस्टम में चाहिए, एसआई सिस्टम में चाहिए या सीजीएस सिस्टम में चाहिए। तो अगर उन्होंने बोला कि एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है, एसआई सिस्टम में अगर हीट को मुझे मेजर करना है तो मैं किस में मेजर करूँ, तो हीट को हम लोग मेजर करेंगे जूल में। और किसी ने पूछा कि सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है, सीजीएस सिस्टम में हीट का यूनिट क्या है, तो बोलेगा कैलरी है, ठीक है। जैसे कि और एक एग्जांपल है, लेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, लेंथ, तुम लोग बोलोगे सर लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, एम, और सेंटीमीटर में भी करते हैं। तो क्वेश्चन आता है मीटर सेंटीमीटर ऐसा अलग अलग क्यों, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मीटर जो है ना वो एसआई सिस्टम में यूनिट है उसका, और सेंटीमीटर जो है ना ये यूनिट ही है। लेंथ को हम लोग मीटर और सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं, लेकिन मीटर क्या है, एसआई सिस्टम में, ठीक है, और सेंटीमीटर के सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट है, क्लियर, ओके। तो यूनिट ऑफ हीट समझा क्लियरली, दो सिस्टम्स है, दो सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। दोनों भी क्या करेंगे, हीट को मेजर ही करेंगे, ये भी हीट को मतलब हीट को मेजर करने के लिए हम लोग ये या फिर ये दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा टेक्स्ट बुक में एसआई सिस्टम ही यूज़ करेंगे ज़्यादा करके, ठीक है। अभी देखो जैसे हम लोग बोलते हैं कि वन किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो पता है सबको, बराबर। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि 1 जूल, जूल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जे लिखते हैं, 1 जूल इज इक्वल टू सॉरी 1 कैलोरी, एक सेकेंड, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ये भी कन्वर्जन है, जैसे मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, देखो 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1000 ग्राम, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। वैसे ही देखो यहाँ पे मैंने कन्वर्जन दिखा है इन दोनों का, कभी कभी क्या होता है कैलोरी में दिया रहता है, हीट को कैलोरी में दिया रहता है, लेकिन हम लोग को समझो जूल में चाहिए तो क्या करेंगे, फिर ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। समझो मुझे दिया 2 कैलोरी, फॉर एग्जांपल मुझे दिया 2 कैलोरी, हीट का सिंबल क्या रहता है, क्यू, हीट को हम लोग सिंबल क्या करते हैं, यूज़ क्या करते हैं सिंबल हीट के लिए, क्यू, तो क्यू समझो दिया है 2 कैलोरी, लेकिन इसको मुझे क्या करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, मुझे कैलोरी में नहीं चाहिए, CL मतलब क्या, कैलोरी में नहीं चाहिए, जूल में चाहिए। तो क्या करोगे, आप लोगों को पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो 2 कैलोरी मतलब कितना, 2 कैलोरी मतलब कितना, तो 2 × 4.18 जूल, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जो भी कुछ आंसर रहेगा वो आएगा यहाँ पे, उतना जूल में कन्वर्ट हो गया, समझा, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो वैसे ही
जैसे जैसे हम लोग लेंथ को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही हम लोग कैलोरी से जूल में जा सकते हैं, जूल से कैलोरी में भी जा सकते हैं। ओके, तो ये कन्वर्जन है। अभी आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर, जो सबसे आसान है। यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर मतलब क्या कि टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में, ये तो पता है सबको, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं या फिर डिग्री फारेनहाइट में मेजर करते हैं। देखो ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, जैसे यहाँ पे देखो जूल में मेजर करते हीट को, तो जूल के लिए जे, हीट को और किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में, तो CAL। तो वैसे ही टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट में और केल्विन में, के केल्विन के लिए के, ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन केल्विन के लिए क्या है, के, आया समझ में? ओके, तो देखो यहाँ पे, लेकिन फिर से अभी यहाँ पे कैसे, अगर कैलोरी में दिया है तो जूल में कर सकते थे हम लोग। देखो ना, अगर कैलोरी में दिया है हीट और मुझे नहीं चाहिए कैलोरी में, तो जूल में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ये कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर समझो किसी ने दिया डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को, लेकिन मुझे डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए टेम्परेचर, मुझे फारेनहाइट में चाहिए, तो ये वाला रिलेशन यूज़ करो, फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। समझा यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझो डिग्री सेल्सियस में दिया है तो फारेनहाइट में हम लोग को उसका टेम्परेचर मिल सकता है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जांपल लेते हैं हम, समझा? और एक समझो केल्विन में दिया है आप लोग को टेम्परेचर, और उस केल्विन का मुझे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला रिलेशन आप लोग यूज़ करोगे। तो ये दो रिलेशन किसके लिए है, अगर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में करना है या फिर डिग्री सेल्सियस में है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये दो रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे। अभी कैसे करेंगे उसके लिए मैं सम्स लेता हूँ यहाँ पर, तो सम्स सॉल्व करने के बाद वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर? तो पहले हम लोग एक रिवीजन करते हैं कि यूनिट ऑफ हीट कौन सा है, तो जूल और कैलोरी, दो यूनिट है हीट का, दो यूनिट, कौन सा? जूल, और सेकेंड कैलोरी, ठीक है। जूल कौन से सिस्टम में आता है? SI सिस्टम में आता है। कैलोरी कौन से सिस्टम में आता है? CGS सिस्टम। CGS का फुल फॉर्म मालूम है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, क्लियर। हाँ, उसके बाद में अगर मुझे कैलोरी में दिया है और उसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला रिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे हीट के लिए, हीट की बात कर रहा हूँ। अभी टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर तो हम लोग तीन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, तीन यूनिट्स, यहाँ पे तो दो ही था, जूल और कैलोरी, यहाँ पे तीन तीन यूनिट्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, फारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला रिलेशन आता है अगर कन्वर्ट करना है तो एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5, और के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15, ठीक है। दो रिलेशन कैसे यूज़ करना है वो आज हम लोग स्टडी करते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या दिया है, हाउ मच विल बी द टेम्परेचर ऑफ 68 डिग्री फारेनहाइट। दिया किस में है टेम्परेचर को, देखो तीन तीन यूनिट्स है, किस में भी वो दे सकते हैं, मतलब डिग्री सेल्सियस में आप लोग को दे सकते हैं, फारेनहाइट में दे सकते हैं या फिर केल्विन में दे सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना है। अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर किस में दिया है, हाउ मच विल बी द टेम्परेचर ऑफ 68 डिग्री फारेनहाइट, किस में दिया है? 68 डिग्री फारेनहाइट में दिया है टेम्परेचर। अभी इस फारेनहाइट में नहीं चाहिए मुझे, मुझे टेम्परेचर चाहिए सेल्सियस में या फिर केल्विन में चाहिए। तो देखो 68 डिग्री फारेनहाइट भी इन सेल्सियस एंड केल्विन पूछा है ना, सेल्सियस में कितना रहेगा, 68 डिग्री फारेनहाइट जो दिया है वो सेल्सियस में कितना रहेगा और केल्विन में कितना रहेगा वो पूछा है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फारेनहाइट को, ओके, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट को, तो कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे? देखो फारेनहाइट और सेल्सियस वाला तो यही रिलेशन है पहला वाला, तो ये पहला वाला रिलेशन हम लोग उठाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिलेशन जो है, टेम्परेचर किस में दिया हम लोग को, टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग को क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है पहले। तो देखो फर्स्ट वाला रिलेशन एफ माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। एफ कितना दिया, 68 डिग्री फारेनहाइट, तो 68 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5, ठीक है। तो 68 माइनस 32 कितना होता है, 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6, 8 में 6 में से 3 गया, ठीक है, यहाँ पे 9 अपॉन सी अपॉन 5, ठीक है, क्लियर। अभी देखो 9 वन जा 9, 9 फोर जा 36, ये 5 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू सी, 5 यहाँ पे डिवाइड था ना, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 5 इज 20, ठीक है। मतलब 68 डिग्री फारेनहाइट मतलब क्या, 20 डिग्री सेल्सियस, समझा? 68 डिग्री फारेनहाइट, देखो यहाँ पे 68 डिग्री फारेनहाइट, उसका ही मतलब क्या होता है सेल्सियस में, 20 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखो, आया समझ में? अभी 68 डिग्री फारेनहाइट को सेल्सियस में तो कन्वर्ट किया, ठीक है, अभी केल्विन में कन्वर्ट करना है,
तो केल्विन के लिए कौन सा रिलेशन है? ये वाला। और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में चाहिए, तो सेल्सियस में हम लोग ने कन्वर्ट किया ना, ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस पहले ही, देखो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग को केल्विन में कन्वर्ट करना है, बराबर ना, इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। इसका तो हो गया काम, डिग्री फ़ारेनहाइट को अभी केल्विन में कन्वर्ट करना है, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए पहला सेल्सियस वाला टेम्परेचर चाहिए, तो सेल्सियस वाला टेम्परेचर हम लोग ने लेके आया अभी। तो यहाँ पे एक काम करो, अभी केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन का रिलेशन लिखो, के इज इक्वल टू सी प्लस 273.15। सेल्सियस में तो टेम्परेचर हम लोग को मिल गया, ये देखो ना 20 डिग्री सेल्सियस, तो के इज इक्वल टू 20 प्लस 273.15। अभी इसको ऐड करो, 273 प्लस 20 कितना होता है, 283, 293, तो यहाँ पे आ जाएगा 293, बराबर ना, 73 में 20 ऐड करो ना, 83, 93, तो कितना हो गया 293.15। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब ही 20 डिग्री सेल्सियस, और मतलब ही कितना हो गया 293.15 केल्विन। तो ये हो गया अपना रिलेशन। ओके, तो इसी तरह से क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर दिया है एक यूनिट में तो उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एक लास्ट वाला और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको फिनिश करेंगे हम। तो सेकंड एग्जांपल देखो क्या दिया उन्होंने, देखो सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन टू, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी सेम इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट। मतलब फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है वही वैल्यू सेल्सियस में है, दोनों का वैल्यू सेम है। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसका जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू यहाँ पे भी मिलना चाहिए डिग्री सेल्सियस में। मतलब फ़ारेनहाइट मतलब ही डिग्री सेल्सियस, मतलब वैल्यू सेम होना चाहिए, जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में है ना वही वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है, ऐसा कौन सा टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर पूछा है। ऐसे कौन से टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों का वैल्यू सेम मिलता है। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल देखो, जरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट था और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो कितना मिला, 20, तो ये वैल्यू सेम है क्या, नहीं ना, क्लियर। तो हम लोग को ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसका, ऐसा टेम्परेचर ढूंढना है, सॉरी ऐसे टेम्परेचर ढूंढना है जिसका वैल्यू सेम रहे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। हम लोग को ऐसा टेम्परेचर ढूंढना है जिसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में जो है ना वही उसमें रहे डिग्री सेल्सियस में। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, एफ इज इक्वल टू सी, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने एफ इज इक्वल टू सी, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमारा रिलेशन कौन सा है, एफ और सी वाला रिलेशन कौन सा है, एफ़ माइनस 32, वो पहले लिखते अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5। तो एफ मतलब ही क्या, सी, उन्होंने बोला है ना कि एफ का जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू सी का भी होना चाहिए, तो मैंने एफ की जगह पर सी डाल दिया अपॉन 9 इज इक्वल टू सी अपॉन 5, ठीक है। अभी इस 5 को यहाँ पे लिख के आ जाओ, तो 5 इंटू सी माइनस 32, 5 को मैंने यहाँ पे लिखा है, और 9 को वहाँ पे भेजो, तो 9 इंटू सी मतलब 9 से 5 इंटू सी कितना होता है, अंदर मल्टीप्लाई करो सी से, 5 इंटू सी कितना हो जाएगा 5 सी, और 5 से फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो, मतलब ब्रैकेट ओपन कर रहे हम लोग, 5 इंटू 32 कितना हो जाएगा, 5 टू जाओ 10, 160 आ जाएगा, ठीक है, और वो भी माइनस 9 सी, 9 इंटू सी कितना होता है 9 सी, क्लियर। उसके बाद में देखो अभी क्या करेंगे, इस 160 को वहाँ पे भेजो 5 सी माइनस, और 9 सी को यहाँ पे लेके आओ, समझा ना, 9 सी को मैंने यहाँ पे लेके आया, 160 को मैंने राइट हैंड साइड पे भेजा, तो 9 सी यहाँ पे आके माइनस 9 सी हो जाएगा, और ये जो 160 यहाँ पे माइनस था वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस 160, तो 5 सी माइनस 9 सी मतलब कितना हो गया, माइनस 4 सी इज इक्वल टू 160, ठीक है। अभी ये माइनस 4 जो है उसको यहाँ पे भेजो, अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो वो मल्टीप्लाई है सी के साथ, क्या है माइनस 4 मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, समझा, माइनस 4 को मैंने यहाँ पे भेजा, तो 4 1 4, 4 4 16, 0, सी इज इक्वल टू माइनस 40। तो ये वो टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सी का वैल्यू सेम रहेगा, मतलब 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे, समझा, ये वो टेम्परेचर जिसका वैल्यू फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा, सेकंड वाला भी फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट किया है, और यूनिट का जो टॉपिक था यूनिट ऑफ हीट एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट वगैरह स्टडी करेंगे, क्लियर। ओके।